नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस मेंस और आईएएस मेंस के लिए जीएस पेपर वन का आधुनिक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम क्या थे। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य छह कार्यक्रम थे। पहला कि सभी स्थानों पर नमक कानून को तोड़ना। दूसरा कार्यक्रम यह था कि विद्यार्थियों द्वारा कॉलेज सरकारी सेवकों द्वारा सेवाओं तथा वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का तीसरा मुख्य कार्यक्रम यह था कि विदेशी कपड़ों की होली जलाना। चौथा सरकार को किसी भी प्रकार का कर अर्थात टैक्स न देना। पांचवा कार्यक्रम यह था कि महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों पर धरना देना। छठा कार्यक्रम यह था कि जुलूस निकालना, सभाएं आयोजित करना, पंपलेट बांटना, राष्ट्रीय झंडे को सलामी देना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के ये मुख्य छह कार्यक्रम थे। ये देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक यात्रा के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी से आरंभ हुआ। 12 मार्च 1930 ईस्वी से नमक यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ। नमक यात्रा देखिए साबरमती आश्रम से डांडी तक नमक यात्रा हुई थी, आरंभ हुई थी 12 मार्च 1930 को और 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। इस प्रकार यह देखिए नमक यात्रा 24 दिन चली थी और इसमें गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ ये यात्रा किए थे इन्होंने। और देखिए साबरमती आश्रम अहमदाबाद है और डांडी जो है नवसारी जिले में है, दोनों गुजरात में है। फिर देखिए 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया और महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 के अंतिम महीने में आयोजित हुआ था उसमें भाग लेने पर सहमति व्यक्त किए, उसमें भाग लिए। तो ये था सविनय अवज्ञा के छह मुख्य कार्यक्रम और उसके संबंधित अन्य तथ्य। मिलते हैं जल्दी अन्य वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।